डॉक्टर बाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में जल्द ही 41 नए वैज्ञानिकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार से इन पदों को भरने की स्वीकृति मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में जल्द ही 41 नए वैज्ञानिकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार से इन पदों को भरने की स्वीकृति मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है और इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी इन पदों के लिए विज्ञापन डाल दिए गए हैं और आने वाले दिनों में आवेदनकर्ताओं के आवेदन मिलने के बाद उनकी साक्षात्कार की प्रक्रिया को भी आरंभ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर वैज्ञानिकों की भर्ती से जहां विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में तेजी आएगी, वहीं विश्वविद्यालय किसानों के फसलों व सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा। वहीं नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच सी शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर वैज्ञानिकों की भर्ती से जहां विश्वविद्यालय के शोध कार्यों में तेजी आएगी, वहीं विश्वविद्यालय किसानों की फसलों व सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वे विश्वविद्यालय में नए वैज्ञानिकों की भर्ती की स्वीकृति देने पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले विश्वविद्यालय को जो है हिमाचल सरकार की तरफ से 41 नए साइंटिस्ट भरने की स्वीकृति मिली है। ये पोजीशन जो है विश्वविद्यालय ने और यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे इनके एडवर्टाइज की है। अगले एक महीने के बीच में एप्लीकेशन जो है विश्वविद्यालय में आ जाएगी और इनकी फिर स्क्रीनिंग करके जो है ये इंटरव्यू करके हम जो है ये नई पोजीशन भरेंगे। हम हिमाचल प्रदेश सरकार का ये 41 नई साइंटिस्ट की और दो टेक्नीशियंस की पोजीशन की सभी स्वीकृति देने के लिए जो है धन्यवाद करते हैं। और ये पोजीशंस भरने से विश्वविद्यालय में जो टीचर्स की और साइंटिस्ट की भारी कमी चल रही थी उसे पूरा करने में भी सहयोग मिलेगा। और ये नई साइंटिस्ट भरने से अब जो है विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से जो है नए नए अनुसंधान करने में भी जुट जाएगा ताकि हम किसानों की समस्याओं का हल निकाल सके और किसानों की जो है उनकी जो पैदावार है सब्जियों और फलों की पैदावार बढ़ा करके किसानों की आमदनी को भी दोगुनी करने में ये सहायक सिद्ध होगी।